एक हदीस है, फरमाया कि तूल उम्र जिनकी होती है, जिंदगियां जिनकी तवील होती है, वो तकदीर से कम होती हैं, एहसान करने से ज्यादा होती है। यानी एक अल्लाह ने मुकद्दर रखा हुआ है कि आपकी जिंदगी इतनी है, 60 साल, वो 60 साल तक पहुंचना या 70 साल तक, 80 साल तक पहुंचना, वो जो तकदीर में लिखा हुआ है उससे कम है, दूसरों पर एहसान करने से ज्यादा है। दूसरों पर एहसान करना, उससे ज्यादा लोग जीते हैं बनिस्बत तकदीर के। और यह भी हदीस में आया है कि जिनकी अमवात होती है उनमें से कम होते हैं कि जो अपनी तकदीर की उम्र को पाकर मरते हैं, गुनाह से मरने वाले वो ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों तरफ बात है, यानी अगर कोई गुनाह करता है उसकी जिंदगी कम हो जाती है, एहसान करता है उसकी जिंदगी बढ़ जाती है। फकत तूले उम्र भी काफी नहीं है, तूले उम्र तो शैतान की भी है, तूले उम्र शैतान की भी है, वो तूले उम्र के जो खैर पर हो वो जरूरी है। इसलिए कि दुआए मकारिमुल अखलाक में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि परवरदिगार मेरी जिंदगी को तो उस वक्त तक जारी रख जब तक खैर में इस्तेमाल होती रहे, और अगर ये शैतान की चरागाह बन जाए तो जिंदगी के बजाय मुझे मौत दे दे। तो उम्र फायदेमंद नहीं है फिर। तो आप गौर फरमाएं।